गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज़ कृपाली सिसंग्या एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 बुद्धि ही बल है वो खरगोश और शेर वाली कहानी सुनाई थी ना बच्चों आपको, तो उसी में से आपको मैं आज बुद्धि ही बल है का पार्ट 2 आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका में कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। पर बच्चों, उससे पहले तो मैं आपको अगला जो लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसको समराइज करके आपको बताती हूँ, मतलब उसका थोड़ा सारांश आपको बता देती हूँ कि हमने अगले वीडियो लेक्चर में क्या सीखा था। जो बच्चों, एक खरगोश होता है और एक शेर होता है, तो उसकी कहानी हमने सुनी थी। एक बड़ा सा जंगल था, उसमें कई सारे जानवर रहते थे, उसमें एक शेर भी रहता था। तो शेर था ना, वो बड़ा आलसू था, उसे खुद से शिकार करने की आदत नहीं थी। तो उसने एक नियम बनाया कि हर रोज़ किसी न किसी जानवर को मेरे पास आना पड़ेगा भोजन के लिए। तो वो हर दिन कोई ना कोई जानवर को मार कर खा जाता था। तो एक दिन क्या होता है, सारे जंगल के प्राणी उससे थक गए थे। हर जानवर को अपने मन में भय सा लगा रहता था कि शेर तो कभी ना कभी हमें मार ही देने वाला है, तो अब हम क्या करेंगे। तो फिर एक दिन सभा का आयोजन करते हैं सब लोग। फिर सारे जानवर एक सुझाव तय करते हैं उसको बताने के लिए। फिर सारे इकट्ठा होकर शेर के पास जाते हैं और शेर से बोलते हैं कि महाराज, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। तो शेर बोलता है कि ठीक है, कहो, पर जो भी कहना मेरे भले के बारे में ही सोच कर कहना। तो सारे कहते हैं कि महाराज, हमारे जंगल में अब बस थोड़े ही जानवर बच गए हैं, आप कृपया किसी दूसरे जंगल के प्राणियों को मारकर खाए। आप ऐसे ही सब जानवरों को मारकर खाते रहेंगे तो एक दिन सिर्फ एक आप ही बच जाओगे, हम सब तो मर जाएंगे। तो शेर था वो सोचने लगता है कि तो मेरा पेट कैसे भरेगा, मैं खाऊंगा कैसे। तो फिर किसी जानवर ने सुझाव दिया कि महाराज, हम सब लोग प्रतिदिन आपके पास बारी बारी से आएंगे, मतलब एक एक करके आएंगे, तो आपको किसी को खोजने की आवश्यकता ही नहीं बचेंगी। तो बच्चों, ऐसा होता है। फिर एक दिन क्या होता है कि खरगोश की बारी आ जाती है। खरगोश तो बेचारा धीरे 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 चल कर जा रहा था। तो रास्ते में भगवान से प्रे कर रहा था कि भगवान, मुझे बचा लो, शेर तो मुझे आज मार कर खाने ही वाला है। वो सोच रहा है आज तो मरना ही है, तो क्यों ना धीरे धीरे चल कर जाओ। तो धीरे धीरे चल कर जाता है। फिर रास्ते में उसने कुएं खोज लिया होता है। रास्ते में उसे कुआ दिखाई देता है। उस कुएं में वो उस कुएं को देखकर खरगोश ने एक युक्ति खोज ली। बच्चों, युक्ति क्या खोजी थी? यस, आपको तो मालूम ही है कि उसने क्या युक्ति खोजी थी। फिर वो धीरे धीरे चलकर शेर के पास पहुंचता है और शेर से कहता है, और शेर से कुछ कह नहीं जाता है। तो शेर उसे जलाल एकदम हो गया था और बोलता है कि अरे दुष्ट, इतना धीरे क्यों चल रहा है, तुझे मारकर खाऊंगा तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। एक तो तू इतना छोटा जीव है, आज तुम्हारी इस गलती की सजा पूरा जंगल भुगतेगा। तो बेचारा खरगोश तो डर जाता है कि ये कैसा शेर है, पूरे जंगल को मारकर खा जाएगा। तो फिर खरगोश ने जो बात सोची थी वो बोलता है कि हाँ, मुझे महाराज, में पता है कि मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई, पर महाराज सुनिए तो सही, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जंगल में दूसरा शेर देखा। दूसरा शेर सुनकर ही शेर था वो गुस्से से लाल गुम हो जाता है। फिर बोलता है, कौन है वो दुष्ट शेर जो मेरे राज्य में आकर गड़बड़ी करना चाहता है, मुझे ले चल अभी उसके पास, मैं भी देखता हूँ कि कैसे वो मेरे राज्य में आ सकता है।
फिर खरगोश उसको कुएं के पास ले जाता है। तो वहाँ जाकर कहता है कि महाराज इसी कुएं में वो दूसरा शेर रहता है। तो शेर था तो हड़बड़ी में और गुस्से में आकर कुएं पर चढ़ जाता है और कुएं में देखने लगता है। कुएं में जब झांक कर देखता है तो उसे अपनी प्रतिबिंब नजर आती है। तो उस प्रतिबिंब को वो शेर कोई दूसरा शेर समझ लेता है। बच्चों तो शेर तो सच मान गया खरगोश की बात कि हाँ सच्ची में वो दूसरा शेर इस कुएं में ही रहता है। फिर उसने कुएं में झांका और उसको मारने के लिए कूद पड़ता है कि रुक अभी मैं तेरा काम तमाम करता हूँ, मतलब कि अभी तुझे मार डालता हूँ, ऐसा बोलकर कूद पड़ता है तो मार जाता है। कोई दूसरा शेर वेर था ही नहीं, वो तो खुद की परछाई देखता है और उसे ही पकड़ने जाता है। और इस प्रकार खरगोश ने युक्ति से अपनी भी जान बचाई और जंगल के बाकी जानवरों की जान बचा ली। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कहानी। अब इस कहानी को हम पाठ्य पुस्तिका में कैसे लिखेंगे और हमें इसको कैसे समझना है वो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी बच्चों। ठीक है, आप रेडी हो ना? यस। अब चैप्टर नंबर 3 बुद्धि ही बल है। इसमें पहला आता है, आपने दो चैप्टर तो पढ़ लिए हैं, अब तो आपको समझ में आ ही गया है बच्चों कि बोलने की बारी और लिखने की बारी हम किस में लिखते हैं बच्चों। यस, 100 पेज डबल लाइन की हमारी जो CW की बुक है उसी में हम लिखते हैं। तो आपको ये दोनों आपकी CW में लिखना है। कैसे लिखना है अभी एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना समझना। बोलने की बारी एमा फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी जानवर शेर से भयभीत क्यों रहते थे? बच्चों अभी मैंने आपको स्टोरी बताई तब को याद ही होगा है ना। तो सभी जानवर शेर से क्यों भयभीत रहते थे भला? तो उसका आंसर आएगा कि शेर प्रतिदिन कोई ना कोई जानवर को मारकर खा जाता था। तो अपने ऊपर जैसे तलवार लटक रही हो ना, सभी जानवरों को ऐसा प्रतीत होता था कि किसी ना किसी दिन वो तलवार गिरेगी, हम मर जाएंगे। इसी प्रकार सबको पता ही था कि मरना ही है, किसी ना किसी दिन हमारी बारी आ ही जाने वाली है। तो जंगल के सारे जानवर थे वो उसको लेकर भयभीत रहते थे। ठीक है बच्चों, एक बार और बता देती हूँ कि सभी जानवर शेर से क्यों भयभीत रहते थे। तो उसका आंसर आएगा, शेर प्रतिदिन कई जानवरों को मारकर खा जाता था, इसलिए जंगल के सारे जानवर उससे भयभीत रहते थे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन, खरगोश शेर के पास देर से क्यों पहुंचा? मैंने अभी अभी आपको बताई स्टोरी बच्चों कि खरगोश शेर के पास देर से क्यों पहुंचता है भला। तो प्रतिदिन एक जानवर को शेर के पास जाना था, उसका आंसर बोल रही हूँ बच्चों, सुनना ध्यान से। प्रतिदिन एक जानवर को शेर के पास जाना था, तो एक दिन खरगोश की बारी आती है। वो सोचता है कि मरना तो है ही, तो आराम से क्यों न चलूं। शेर के पास हर रोज कोई न कोई जानवर को जाना ही था। तो एक दिन क्या होता है बच्चों, खरगोश की बारी आ जाती है। तो खरगोश रास्ते में सोचता है कि मरना तो है ही, आज मरूं या कल मरूं, मरना ही है, तो क्यों ना धीरे से चलूं, आराम से चलूं, टहलता टहलता क्यों ना जाऊं। तो खरगोश टहलता टहलता जाता है तो उसमें देरी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन और उसका आंसर। अब बोलने के बारे में थर्ड क्वेश्चन कि खरगोश में क्या क्या गुण थे? बच्चा अब तो समझ में आ ही गया होगा कि खरगोश कैसा था, उसमें क्या क्या गुण थे, अभी बताती हूँ। खरगोश समझदार और बुद्धिमान था, उसने बुद्धि के बल से अन्य जानवरों की जान बचाई थी। खरगोश कैसा था? बुद्धिमान था, समझदार था, उसमें चतुरता थी बच्चों। समझदार तो था ही, बिल्कुल समझदारी का इस्तेमाल किया। कब किया? जब सही टाइम आया तब। तो खरगोश समझदार भी था, बुद्धिमान भी था, उसने अपनी भी जान बचाई और जंगल के बाकी जानवरों की जान भी बचा ली। इसीलिए ये दो गुण आपको लिखने हैं,
पहला समझदारी का और दूसरा बुद्धिमानी का। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी बोलने की बारी के 3 क्वेश्चन आंसर। आपको ये अपने सिलेबस में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अब आती है हमारी लिखने की बारी। लिखने की बारी भी हम सिलेबस में ही लिखते हैं बच्चों, राइट। उसका क्वेश्चन नंबर 1, जानवरों ने शेर के सामने क्या प्रार्थना की? सभी जानवर शेर से क्या प्रार्थना कर रहे थे बच्चों? तो आंसर सुनो कि सभी जानवरों ने प्रार्थना की कि अब जंगल में थोड़े ही जानवर बचे हैं, कृपया आप दूसरे जंगल में जाए और किसी दूसरे प्राणी को मारे। तो यहाँ पे कहा गया है कि जानवरों ने शेर के सामने क्या प्रार्थना की। तो जानवर सभी शेर के पास पहुँचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे वन के स्वामी, इस जंगल में तो अब थोड़े ही जानवर बचे हैं, आप इसी प्रकार सभी जानवरों को एक एक करके मारकर खा जाओगे तो पूरा जंगल ही नष्ट हो जाएगा, पूरे जानवर समाप्त हो जाएंगे। तो कृपया आप दूसरे जंगल में जाकर किसी और जानवर को अपना शिकार बनाए। तो ये प्रार्थना करते हैं सभी जानवर किसके पास जाकर बच्चों? शेर के पास जाकर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, खरगोश ने किस प्रकार जानवरों की रक्षा की? खरगोश ने किस प्रकार से सभी जानवरों को बचाया बच्चों? खरगोश ने किस प्रकार जानवरों की रक्षा की? तो उसमें आपको लिखना है कि खरगोश शेर के पास पहुंचकर एक बात बताता है। क्या बात बताता है बच्चों? कि मैं रास्ते से आपके पास शिकार बनने आ ही रहा था कि रास्ते में मैंने एक दूसरा शेर देख लिया। वो अपने आप को जंगल का राजा बता रहा था। तो शेर जंगल में घुस गया है और वो हमारे राज्य पर राज करना चाहता है। तो शेर गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी परछाई कुएं में देख लेता है और उसमें कूद पड़ता है। इस प्रकार सारे जंगल के जानवर बच जाते हैं और खरगोश भी बच जाता है बच्चों। तो इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, आपको तो सिर्फ छोटा वाला ही लिखना है। अब बच्चों आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था वैसे ही हमें चैप्टर नंबर 3 में भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, सही क्रम संख्या लिखो। सही क्रम संख्या लिखनी है, मतलब इस क्वेश्चन को फिल करने के लिए आपको पूरी की पूरी स्टोरी फिर से रीड करनी पड़ेगी बच्चों, पाठ्य पुस्तिका में से रीड करोगे तो आपको इस में सेंटेंस दिए गए हैं उसको, उसमें से पहला कौन आएगा दूसरा कौन आएगा वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। गए खरगोश शेर के पास देर से पहुंचा, शेर के मृत्यु से सभी जानवर खुश हुए, सभी जानवर शेर से भयभीत रहते थे, मर गया। तो यहाँ पे इतने सारे सेंटेंस दिए गए हैं, मतलब कि 6 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, उसमें से पहला कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा वो आपको जो वर्कशीट का फॉर्मेट दिया गया है उसमें आपको पाठ्यपुस्तिका का जो पेज का चित्र दिया गया है उसमें से आपको देखकर लिखना है। बच्चों यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है कि देखो उसमें आपको नंबर अपने से नहीं लिखने हैं, अपने से लिखोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा और रुम पड़ जाएगा बच्चों। तो आपको देख देख कर लिखना है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, पूरी स्टोरी रीड करनी है फिर सोचना है कि पहला सेंटेंस कौन सा आएगा। पूरी स्टोरी उल्टी सीधी करके दी गई है, आपको स्टोरी को सही लाइन में अरेंज करना है। ठीक है बच्चों, पढ़ो और अर्थ जानो। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है और उसके अर्थ समझने हैं। ठीक है बच्चों, ये लिखना नहीं है पर सिर्फ पढ़ना ही है, तो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। प्रतिदिन तो हर सप्ताह, मतलब कि प्रतिदिन, प्रति का मतलब क्या होता है बच्चों? हर, हर दिन, हर रोज, हर महीना और प्रतिवर्ष तो हर वर्ष। प्रति जहाँ दिया गया है वहाँ हर लगाना है, दोनों से मिलर ही हुए, मतलब कि समानार्थी शब्द ही हुए।
कि प्रतिदिन का अर्थ है हर दिन, प्रति सप्ताह का अर्थ है हर सप्ताह, प्रति माह का अर्थ है हर माह, हर महीना, प्रति वर्ष का मतलब है हर वर्ष, हर साल। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारा पटोर जानो, प्रतिदिन का मतलब और उसका समानार्थी। ठीक है बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। स्त्रीलिंग शब्द चुनकर लिखो। आपको यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द चुनकर लिखना है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने चित्र आपको दिया है, उसमें आपको एक येलो कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है। उस येलो बॉक्स में से आपको शब्द चुनकर जो ब्लैंक प्लेस दी गई है उसके सामने लिखना है। जैसे शेर दिया गया है बच्चों आपको एग्जांपल में, तो उसके सामने उसका आंसर भी दिया गया है कि शेर तो शेरनी, हाथी तो हथिनी। आपको बॉक्स में से ही देखकर लिखना है। एक मेल जेंडर दिया गया है और फीमेल दिया गया है, एक नर जाति है तो आपको एक नारी जाति के शब्द ढूंढ ढूंढ के बॉक्स में से लिखना है बच्चों। बहुत आसान है ना? यस। शेर तो शेरनी, हाथी तो हथिनी, बिल्लाओ तो बिल्ली, बकरा तो बकरी, ऊंट तो ऊंटनी, बाघ तो बाघिन, नाग तो नागिन, घोड़ा तो घोड़ी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 को अपनी पाठ्यपुस्तिका में ही कंप्लीट करना है, राइट बच्चों? यस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें तो वो जो क्रिया वाला मैंने सिखाया था आपको कि क्रिया किसे कहते हैं बच्चों, जो काम हम कर रहे हैं, मतलब कि बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सोच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सारे की सारी क्रियाओं को आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें से ढूंढ ढूंढ कर लिखना है जो ब्लैंक प्लेस दी जाती। पहले नोट पढ़ती हूँ, उसमें सूचना क्या दी गई है बच्चों, पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना। खाना पीना नहाना खेलना होना रहना था है, ये सब क्रिया शब्द है। वाक्यों को पढ़कर क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए और लिखिए। पहले आपको सेंटेंस में एक लाइन खींचनी है कि जो क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द के नीचे आपको लाइन करनी है। जैसे पहले सेंटेंस में दिया गया है ना, सुनो, किसी जंगल में एक शेर रहता था। रहता था मतलब कि वो क्रिया हुई, रहने की क्रिया, तो रहता था। उन दोनों शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन की गई है, दी गई है, और सामने ब्लैंक प्लेस में लिखा गया है। जो अंडरलाइन करते हैं वही हमें सामने उत्तर में लिखना है। रहता था मतलब कि वो एक क्रिया हुई, तो वो हमें लिखा गया है, दिया गया है। अब वैसे ही हमें ख ग घ और ड आपको लिखने हैं। मैं आपको समझाती हूँ ना बच्चों, डोंट वरी। हे भगवान, अब तू ही राह दिखा। दिखाना मतलब हम किसी को ऐसे राह दिखाते हैं, तो वो भी तो क्रिया हुई ना बच्चों। तो सेंटेंस में कहा गया है कि हे भगवान, अब तू ही हमें राह दिखा। दिखा मतलब दिखाना, वो क्रिया हुई, तो दिखा के नीचे अंडरलाइन और ब्लैंक प्लेस में लिखना है दिखा। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, ये हमारा ग्रामर टॉपिक है, इसलिए समझने में जल्दी नहीं आएगा शायद आपको, और ध्यान से सुनोगे तो सब आ जाएगा ना। कोई चीज़ आसान, कोई चीज़ मुश्किल तो होती ही नहीं है बच्चों। ठीक है, अब आता है तीसरा सेंटेंस। खरगोश जानबूझकर देर से पहुंचा। तो पहुंचना वो भी तो क्रिया हुई ना बच्चों, पहुंचना, जाना, आना। ठीक है बच्चों, तो पहुंचा उसके नीचे अंडरलाइन दी गई है। फिर से पढ़ती हूँ, सुनो। खरगोश जानबूझकर देर से पहुंचा। जानबूझकर देर से पहुंचा, पहुंचानी नीचे लिटी करेली, लिटी करवानी, पछी लखवानू के पहुंचा, ये क्रिया थी। शेर कुएं में खुद पड़ा। खुद पड़ना वो भी तो क्रिया हुई, तो खुद पड़ा नीचे अंडरलाइन और सामने लखवानू खुद पड़ा। ड, सभी जानवर बहुत खुश हुए। खुश होना, दुखी होना, रोना, हंसना, वो भी तो एक क्रिया हुई बच्चों, तो खुश होना के नीचे अंडरलाइन करनी है
और सामने लिखना है खुश होना, राइट। तो ये हमारा तीन क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर वन, पढ़ो और अर्थ जानो, वो आपको लिखना नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू, स्त्रीलिंग शब्द चुनकर लिखो, बॉक्स दिया गया है, स्त्रीलिंग शब्द आपको लिखना है, ठीक है बच्चों, ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर तीन था कि जो क्रिया दी गई थी उसको आपको अंडरलाइन करके लिखना है, ठीक है बच्चों। तो तीन क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, राइट। अब यहाँ पे आप चित्र देखो एक कि सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ, उसमें आपको क्या करना है बच्चों, मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था ना, यस, आपने वो होमवर्क में तो कर लिया, पर आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना कि मांस खाने वालों को मांसाहारी और घास पात का मतलब है वो जो पत्ते खाते हैं, हरे हरे घास खाते हैं, उसको कहता है बकरी, भैंस, घोड़ा, जिराफ, ये सब होते हैं ना, खरगोश, वो सारे के सारे शाकाहारी जीव माने जाते हैं। और शेर, बाघ, चीता, वो जो सब है वो कैसे जानवर दिए गए हैं बच्चों, यस, वो मांसाहारी है। तो वो आपको फिर से सोचना पड़ती हो, आप सुनना, मांस खाने वालों को मांसाहारी और घास पात खाने वालों को शाकाहारी कहते हैं, राइट, समझ में आ गया। यहाँ कुछ पशुओं के चित्र दिए गए हैं, देख रहे हो आप चित्र में कि आपको चित्र में पशुओं के चित्र दिए गए हैं, शाकाहारी पशुओं के सामने हरे रंग का और मांसाहारी के सामने लाल रंग का निशान लगाओ। आपको निशान लगाना है, आप बाजार में जाते हो बच्चों, तो आप कोई भी चीज खरीदते हो तो वहां पे आपको एक ऐसा निशान दिया जाता है बच्चों, एक बॉक्स होता है ग्रीन कलर का और उसके अंदर एक डॉट होता है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, एग मार्ग। एग मार्ग का निशान कहते हैं बच्चों, ये एग मार्ग का निशान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो तरह के निशान दिखाई देते हैं बच्चों, आप जब भी कोई 100% वेजिटेरियन चीज खरीदते हो तो वहाँ पे आपको ग्रीन कलर का और नीचे लिखा होता है कि 100% वेजिटेरियन, ठीक है। तो ग्रीन कलर का जो साइन होता है वो शाकाहारी चीजों का होता है, और जो लाल कलर का होता है, ऐसा ही निशान दो कलर के होते हैं, जो ग्रीन होता है वो वेजिटेरियन मतलब कि शाकाहारी लोग खा सकते हैं, उसमें मांस की कोई उपलब्धि नहीं होती है, और जो रेड कलर का होता है वो 100% नॉन वेजिटेरियन होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको अंतर समझ में आ गया, यस। तो ये दोनों एक मार्क के चिन्ह है। यहाँ पे आपको दो कलर की पेन लेनी है, एक हरी वाली और एक लाल वाली, ठीक है बच्चों। तो पहला चित्र दिया गया है शेर, तो शेर कैसा प्राणी है बच्चों, कैसा पशु है, यस, आपको समझ में आ गया ना। अब शेर तो मांस खाता है, वो घास फूस नहीं खाता है बच्चों, तो शेर मांसाहारी हुआ। तो शेर के सामने वाला बॉक्स जो है नीचे दिया गया है उसको आपको रेड कलर की पेन से आपको राइट लगाना है कि शेर मांसाहारी है। वैसे हिरण दिया गया है तो हिरण शाकाहारी है, तो ग्रीन कलर की पेन से। फिर लोमड़ी दी गई है बच्चों, तो लोमड़ी तो जंगल में रहती है और जंगल में रहने वाले होते हैं वो तो मांसाहारी होते हैं, तो लोमड़ी के सामने राइट रेड कलर से। हाथी, तो हाथी मांस नहीं खाता है बच्चों, तो हाथी के सामने आपको करना है ग्रीन कलर की पेन से, वहाँ पे ग्रीन कलर का निशान लगाओ, राइट ही शेप करना है आपको, ठीक है। फिर टाइगर दिया गया है, तो टाइगर तो यस मांसाहारी होता है, तो रेड कलर की पेन से। फिर जिराफ दिया गया है बच्चों, तो जिराफ शाकाहारी होता है, भले ही वो जंगल में रहता है
पर जीरा मांस मच्छी नहीं खाता है, वो शाकाहारी है। वो पेड़ पौधे के पत्ते और ये सब चीज़ें खाता है, तो जिराफ में ग्रीन पेंस आएगा। फिर यहाँ पे आपको बकरी दी गई है बच्चों, तो बकरी है वो कैसी होती है? यस, बकरी होती है वो शाकाहारी होती है, तो बकरी के सामने आपको ग्रीन कलर की पेंस करना है। फिर यहाँ पे आपको चीता दिया गया है, चीता जंगल का होता है, तो उसके सामने रेड वाली पेन से करो। ठीक है बच्चों, तो यह था हमारा चैप्टर नंबर 3, बुद्धि ही बल है। उसकी पाठ्यपुस्तिका में सब कुछ कैसे कंप्लीट करना है मैंने आपको चित्र के साथ दिखा दिया। ठीक है बच्चों, तो आपको इसे पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, वो भी अच्छे राइटिंग के साथ। ठीक है बच्चों, अगर आपको पाठ्यपुस्तिका को कंप्लीट करने में कोई भी दिक्कत हो तो आपको ये वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा। दोबारा देखोगे, 2-3 बार देखोगे तो आपको झट से समझ में आ ही जाएगा। और जब कभी भी आप पाठ्यपुस्तिका कंप्लीट करने बैठो तो ऐसा नहीं है कि वर्कशीट में से देख कर सीधे कॉपी पेस्ट ही करना है, ऐसा नहीं है बच्चों। पहले वीडियो को पूरा का पूरा देखो फिर कंप्लीट करो, झट से आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय।